व्यूअर्स, आज मैं बनाने वाला हूँ दो रेसिपीज यूजिंग सेम इंग्रेडिएंट्स, बहुत ही आसान होने वाली। ये हाईलाइट है वैसे इस रेसिपी का कि सेम इंग्रेडिएंट्स से आप दो रेसिपीज कैसे बना सकते हैं, और एक होने वाली तिब्बतन, दूसरी होने वाली मुगलाई। सो चेक दिस रेसिपी आउट। पहली रेसिपी होगी मोमोज की और दूसरी होने वाली कबाब रोल्स की। सो इफ योर गर्लफ्रेंड इज फ्रॉम लाजपत नगर, शी इज गोना फॉल फॉर इट। सबसे पहले डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए क्या करेंगे, मैदा लेंगे हम, और हमने थोड़ा टाइट आटा गूंदना, ज्यादा सॉफ्ट आटा नहीं गूंदना है। पानी ऐड करेंगे और इनिशियली एक चम्मच की मदद से इसको मिक्स करेंगे। सो एक बार ये सारा आटा एक साथ हो गया, अब क्या करेंगे, हाथ से इसको गूंदेंगे। अब आपके हाथ पे ज्यादा आटा चिपकेगा नहीं। सो एक बार ये सारा आटा हमने बोल के अंदर से समेट लिया, इसको करेंगे साइड में और अब इसको गूंद लेंगे हम यहाँ पर। सो डो हो गया रेडी, इसको रेस्ट करने के लिए साइड में मैं रख दूंगा बोल के अंदर, अगर आप चाहें तो कवर कर सकते हैं इसको। सो डो हो गया रेडी, मैं इसको कवर करने वाला हूँ। देखिए, अगर आपको डो सॉफ्ट लगाना है, नॉट फॉर मोमोज फॉर समथिंग एल्स, तो एक टेक्निक होती है जट आई एम गोना शेयर विद यू। पानी का हाथ गीला लगाएं और उसके ऊपर ऐसे टैप कर दें और कवर करके रख दें, पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, डो अपने आप सॉफ्ट हो जाएगा। बट राइट नाउ वी डोंट नीड अ सॉफ्ट डो, सो आई एम कवरिंग दिस एंड लीविंग इट टू रेस्ट। मीनवाइल आई एम प्रिपेयरिंग द स्टफिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास चिकन मिंस, इसके अंदर मैं ग्रेट करने वाला हूँ गार्लिक को। सो यहाँ पर करीबन मैंने 4 गार्लिक पॉड लिए हैं, बिकॉज हमारे पास जो कीमे की क्वांटिटी है वो करीबन 400 ग्राम है। गार्लिक ग्रेट करने के बाद इसके अंदर गया जिंजर। अब देखेंगे आप, जिंजर और गार्लिक दोनों की एक अच्छी क्वांटिटी यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। सो अदरक लहसुन हो गया ग्रेट। अब इसके बाद पूरा एक लाल प्याज है, उसको मैं चॉप करने वाला हूँ फाइनली। प्याज कटने के बाद हरी मिर्चें चॉप करेंगे, बिल्कुल फाइनली चॉप करनी है, मोटी मोटी नहीं रखनी है हमने इसके अंदर। एक बार डबल चॉप करेंगे इनको। नेक्स्ट स्प्रिंग अनियंस, तो सभी चॉप वेजिटेबल्स को मैं ऐड करने वाला हूँ हमारे मिर्च के अंदर। एक पहला मिक्स दूंगा मैं सबको। सो अब हम करेंगे सीजन। पेपर डाला मैंने, उसके बाद मैं डालने वाला हूँ सॉल्ट। बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालना है, बस एक नाम मुताबिक डालना है बस, कि बस एक टेस्ट आ जाए। अब इसको कर लेंगे मिक्स। अब इसके साथ ही मैं यूज़ करने वाला हूँ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, बस एक चम्मच डालना है मैंने इसके अंदर, इसको मिक्स कर लूँगा। अब देखिए, तेल डालने से क्या हुआ कि जो हमारी जो स्टफिंग है ये आसानी से शेप ले लेगी, ये बहुत ही रिजिड नहीं रहेगी, और दूसरी चीज़ है एकदम से ड्राई आउट नहीं होगी जब हम इसको पकाएंगे। और अगर आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक प्लेट में बस थोड़ा सा मैदा ले लिया हमने डस्टिंग के लिए। सो अब हम क्या करेंगे, डो बॉल्स बना लेंगे इक्वल, और थोड़ा सा मैदा मैंने नीचे डस्ट कर लिया, इसको दोबारा से हम शेप कर लेंगे ताकि हम इक्वल डो बॉल्स बना सकें। तो मैंने इसको स्ट्रेच कर लिया है ताकि मैं इसकी अब इक्वल क्वांटिटीज डिवाइड कर सकूं। सो अब मैं इसे डिवाइड कर लूंगा। सो इतना आटा मैं बचा रहा हूँ, वैसे अगर और चाहिएगा तो और ले लेंगे। बाकी जो डिवाइडेड डो है इसकी हम डो बॉल्स बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको फ्लैट डिस्क शेप में हम रोलर पिन की मदद से फ्लैटन करेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, इसको फ्लैट करेंगे, पहले इसको हाथ से स्ट्रेच कर लेंगे। मैदे में थोड़ा सा डुबो लिया और बिल्कुल रोटी की तरह इसको हम बेल लेंगे। सो अब मैं स्टफिंग स्टार्ट करने वाला हूं। मैं क्या करने वाला, एक फ्रेश स्पून लूंगा, इसको मैंने तेल के अंदर थोड़ा सा डिप कर लिया है, एक कोटिंग आ जाए इसके ऊपर। अब यहां पर एक स्पून लेंगे और इसके ऊपर इसको अच्छे से हम स्टफ कर देंगे और ऐसे आगे तक फैला देंगे। और उसके बाद अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है तो साइड ऐसे आप लॉक कर दीजिए। ऐसे अब हम स्टार्ट करेंगे स्टफिंग। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर स्पून को मैंने पहले थोड़ा तेल लगा लिया था ताकि ईजिली ये हम इससे इसको रिलीज कर सकें।
एक अच्छी स्टफिंग डालेंगे इसके अंदर, बिकॉज आई एम गोना मेक स्लाइटली बिग साइज मोमोज, और यहाँ से हम पिंच करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे 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 करके हम इसको यहाँ पर लॉक कर देंगे और इसको ऐसे ट्विस्ट कर देंगे लाइक दिस। सो एक शेप हो गई ये वाली, और साइड में हम पानी को बॉईल होने के लिए रख देंगे, और उसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ करेंगे, पानी को फ्लेवर करेंगे बे लीफ के साथ, और उसके ऊपर हम रख देंगे हमारे स्टीमर को, और हम इस पे लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल। सो मीनवाइल पानी उबल रहा है, हम इसके ऊपर स्टैक कर देते हैं हमारे मोमोज जो हमने रोल किए थे। जो मैंने बनाया था सिंपल तरीके से, उसको बस मैंने ऐसे यहाँ पर लॉक कर दिया है। पानी बिल्कुल उबल गया है, अब इसको हम कवर कर देंगे, इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। लाइक ए सेट की सेम इंग्रेडिएंट से दो रेसिपीज बनेंगी। हाथ पे थोड़ा सा तेल लगा लिया, और यहाँ पर अब हम इसी से जो शेप है वो फॉर्म कर लेंगे कबाब्स की। बटर डाल दिया मैंने पैन के अंदर, और हमारे पास जो यहाँ पर कबाब है इसको मैंने शेप कर लिया है, इसको अब हल्के से गरम पैन के अंदर रख देंगे। सो बटर गरम होने के बाद आई जस्ट प्लेस दिस इनसाइड। तो बस ऐसे हम इसको पकने के लिए आराम से स्लो आंच पे छोड़ देंगे पकने के लिए। सो जो बचा हुआ आटा था उसके मैंने राउंड डो बॉल्स बना लिए, अब इसको बिल्कुल रोटी की तरह बेल लेंगे हम। अब इसको ड्राई आटे के अंदर हमने डस्ट कर लिया, और बिल्कुल रोटी की तरह बेलेंगे। सो मैंने इसको पतला बेल लिया है, अब इसको केयरफुली रिमूव करके हम तवे पे डाल देंगे। इसको चेंज कर देंगे साइड को, साथ ही में कबाब्स की जो साइड्स हैं इसको हम फ्लिप कर देंगे आराम से। बहुत ही डेलिकेट है कबाब ये, और बिल्कुल नॉर्मल रोटी की तरह इसको हम सेक लेंगे। कबाब भी हो गए हमारे रेडी, इसको ज़्यादा पकने में टाइम लगता है बिकॉज मिंस्ड है ये ऑलरेडी, और बहुत ही टेंडर मीट है ये चिकन का। फिर सारे निकाल लेंगे हम। सो यहाँ पर मेरे पास है मोटी लाल मिर्चें, अगर आपको ये ना मिले तो आप क्या करें, जो बड़ी कैप्सिकम होती है बेल पेपर्स होती हैं, वो आप एक बड़ी वाली ले लें, और इसको हम फाइनली चॉप कर लेंगे यहाँ पर। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक हरी मिर्च ले ली है स्पाइस कंटेंट को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, और एक हरी मिर्च का अच्छा फ्लेवर होता है। तो जो सेम हमारे पास बटर था उसी को ले लिया हमने, बिकॉज ये जो चटनी बनाने वाले हैं हम दोनों मोमोज के लिए और कबाब के लिए बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले गई ग्रीन चिलीज और रेड चिलीज, इसको करीबन 1-2 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पे सौते कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर किया गार्लिक, देख गार्लिक का एक काफी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रह गया चटनी के अंदर, तो गार्लिक थोड़ा ज्यादा ही लें आप। उसके बाद इसके अंदर गई करीबन 2 चम्मच टोमेटो प्यूरी, उसके साथ ही इसके अंदर किया थोड़ी सी चिली सॉस, वैसे यहाँ पर इसको सिराचा सॉस बोलते हैं। टैंगीनेस के लिए गया थोड़ा सा विनेगर, उसके बाद इसके अंदर किया सोया सॉस, सीजनिंग के लिए किया सॉल्ट और गुड अमाउंट ऑफ पेपर। अब इसे एक और मिनट के लिए बस कुक करना है, ताकि सारे जो फ्लेवर्स हैं मिक्स हो जाएं और एक अच्छी सी सॉस बन जाए। देखिए आई एडमिट ये जैसे नॉर्मल चटनी मिलती है वैसी चटनी नहीं है, ये हम अलग तरीके की एक चटनी बनाने वाले हैं मोमोज के लिए और कबाब के लिए। चटनी होगी तैयार, इसको हम ठंडा कर लेंगे। सबसे पहले मैंने हमारी जो ब्रेड है वो ले ली है, उसके बाद इसके ऊपर हम स्प्रेड कर लेंगे जो हमने चटनी बनाई थी, इसको हम ऐसे स्प्रेड कर लेंगे। और उसके बाद हमारे कबाब जो हैं इनको हम थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके, इसके बाद इसको कर देंगे ऐसे फोल्ड, और अब हम इसको सिक्योर कर देंगे एक टूथपिक की सहायता से। ऐसे दोबारा ऐसे गया और फिर से बाहर ऐसे आया, और ये हमारा रोल तैयार हो गया। सो हमारे मोमोज हो जाने चाहिए रेडी अभी।
देखिए इनका साइज कितना बड़ा हो गया, बिकॉज इट्स अ सेल्फ रेजिंग फ्लावर। यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ इसके अंदर, केयरफुली बिल्कुल निकाल लेंगे। देखिए तेल लगाने का क्या फायदा हुआ कि बिल्कुल चिपक नहीं रहे हैं और इसके अंदर एक नई शाइन आ गई है। सो हमारे सेम इंग्रेडिएंट्स से दो रेसिपी तैयार होगी। इट मे नॉट हैव द परफेक्शन, लेकिन अगर आप पहली बारी बना रहे हैं तो इट्स वेरी गुड फॉर इट, आप जरूर ट्राई करें ये रेसिपी। और मेरे पास वहाँ पर हरी चटनी पहले से थी, ये चटनी स्पेशल है, ये आप जरूर ट्राई कीजिए। आप वैसे अपना कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, मतलब चटनी हैज़ टू बी स्पाइसी, गार्लिक की टेस्ट और थोड़ा सा उसके अंदर टैंगिनेस भी होना चाहिए।